इतना तंग किया ना एयर इंडिया ने, पूछो मत। डोमेस्टिक भी डिले होती हैं भाई, इंटरनेशनल भी डिले होती हैं। यही पहला जहाज़ है जिस पे अब तक सबसे पहला लोगो बना है, जहाँ पे एयर इंडिया लिखा होता है बड़ा बड़ा, वहाँ पे एक कुमकार बनवाया है। एयर इंडिया के वॉशरूम ठीक ठाक ही हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज फाइनली दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली आप पहुँच चुका हूँ। ये टर्मिनल थ्री का माहौल है देख लो, और थोड़ी देर में फ्लाइट है मेरी टू फ्रैंकफर्ट। सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ सब कुछ रूबरू किया जाए, तो लेट्स गो। दो मेरे लगे हैं तो लेके अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहले सुबह के 10:30 बजे हैं भाई, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई कोई गेट पे ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे सफाई वगैरह कुछ कर दी गई है, देख लो साल बाद आए हूँ, ये चीज़ नमी लगी है, ये चीज़ जो बैनर वगैरह ऊपर लगाया गया ये चीज़ नमी लगी है। तो कोई कोई गेट पे ज़्यादा भीड़ है, उधर ज़्यादा भीड़ है, इधर कम है। 11:30 हो गए हैं भाई, बोर्डिंग हो रही है। भाई साहब बहुत टाइम लगा रहे हो, इधर राइट साइड में ये औरत लड़ी जा रही है, फॉरनर है शायद, इसको पता नहीं क्या नहीं समझ आ रही, शायद इसकी फ्लाइट मिस हो गई है, मुश्किल हो गई। फाइनली चेक इन भी हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया, कच्चे भी उतार के देख लिया इन्होंने, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। तो अब ड्यूटी फ्री की तरफ जा रहा हूँ, अपने गेट नंबर की तरफ, जो कि 1 घंटा रह गया सिर्फ फ्लाइट में। तो एक बार और बता देता हूँ कि मेरी फ़्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। तो पिछले 1 महीने से तो आपको पता ही है कि मैं इंडिया में घूम रहा था, ये कर रहा था, पूरे मज़े कर रहा था, चिल कर रहा था, तो वापस जाने का टाइम आ गया। फाइनली गेट नंबर 9 बता दिया, गेट नंबर 9 पे जा रहा हूँ। कुछ खाया पिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ड्यूटी फ्री से बस सामान लेके आया हूँ। किसी के लिए गिफ्ट है, किसी एक इटालियन ने इंडियन भी इसकी मंगवाई थी, तो 1/2 घंटा वहाँ ख़राब हो गया। 12:40 हो गए और 12:30 पे बोर्डिंग शुरू हो गई थी। तो ये हमारे इंडिया के अंदर का एयरपोर्ट का माहौल। यहाँ पर तो मेरे को आना 3-3, 4-4 घंटे पहले पसंद है, क्योंकि अंदर घूमता फिरता बंदा, खाता पीता, लंच करता, तो इस बार टाइम नहीं है, सीधा गेट नंबर 9 पे चलते हैं। हमारा इंडिया बेकार नहीं है भाई, वो रहा एंट्री गेट, वो सारे लाइंस में वो गेट है जितने भी वहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ से एग्जिट होती है, वहाँ से लोग चले जाते हैं उधर की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है ना, 1 से लेके 14 गेट्स हैं, तो ये राइट साइड है इस एयरपोर्ट का। तो बाहर का व्यू देखो, क्या अपना इंडिया दिख रहा है, इसको छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आई एम फीलिंग रियली सैड, मेरे को तो यही लगता है मेरी ज़िंदगी में हमेशा देरी लिखी है। और 12:46 हो चुके हैं, 1:30 बजे मेरा प्लेन उड़ेगा, तो मैक्सिमम 1/2 घंटा मेरे पास इंजॉय करने का और खाना पीना करने का। जी मैं गेट नंबर 6 से 14 के पास आ चुका हूँ, ठीक है, 4 बोरा सामने। तो यहाँ पर हैं 2-3 कैफ़े, चाय पॉइंट भी है, आइस बार भी, कोस्ता भी है, कुछ ना कुछ खा ही लूँगा यहाँ से वापस आके। एक बार बोर्डिंग देख लेते हैं क्या माहौल है। तो भाई ये हमारा इंडिया देखो कैसे खड़े हैं, जहाँ जहाँ पे इतने बड़े बड़े डोमेस्टिक साइड के, और ये इतनी बड़ी पार्किंग नीचे, वो देखो उधर बाइकें वगैरह, हमारा पूरा सिस्टम खुला। ये आ रही है बैगेज हमारे, जो भी आते हैं लगेज वगैरह नीचे एयरप्लेन में से उतर के, वो बस ही जाते हैं जो हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट से छोड़ देती हैं, उधर फिर बस में से लोग ऊपर आते हैं। तो ये इस साइड वाला हिस्सा है, वाह। मेरा भाई गेट नंबर 1 बड़ा बड़ा फ्रैंकफर्ट लिखा हुआ है, अभी कुछ हलचल नहीं है, आगे चलते हैं, खा पी के आते हैं कुछ। मैं इस टाइम बिल्कुल अपने गेट पे खड़ा हूँ जहाँ से एयरलाइन चलेगी, ये रही वो, और लेट हो चुकी है 1/2 घंटा। अभी स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई थी, माफ़ी मांग रहे हैं, बताओ। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं लेट था और 1/2 घंटा इन्होंने एयर इंडिया वालों ने फ्लाइट लेट कर दिया, तो बताओ। ये अनाउंसमेंट कर करके लोगों से माफ़ी मांग रहे, पब्लिक से माफ़ी मांग रहे, इनका क्या मतलब है भाई, अपना काम अच्छे से करो, टाइम से करो, तो माफ़ी मांगने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। देखो भाई दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, 12:30 बजे बोर्डिंग थी और 1:30 बजे जहाज उड़ना था, तो 1:30 तो एक्चुअली बच चुका है, तो जहाज कब उड़ेगा, 2 बजे का इन्होंने टाइम दिया है, 2 बजे का टाइम देंगे तो कभी उड़ेगा, ये चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं है। फ़्लाइट तो डिले हो ही चुकी है 1/2 घंटा, वैसे बोलते हैं कि 1/2 घंटा हुई है, 1-1.5 घंटा आराम से करेंगे। तो ये रहा गेट नंबर 9, उसके सामने बिल्कुल कोस्ता कॉफ़ी वाले हैं, तो सोचा लंच कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो अब लेट ही मिलेगा, क्या पता कितने बजे मिलेगा, 3-4 बजेंगे, तो एक फालतू भी ले लूँगा, क्योंकि फिर फ़्लाइट में भूख भी लगती है यार, क्योंकि एयरप्लेन वाला फूड इतना वो नहीं होता, भूख लग ही जाती है थोड़े टाइम बाद। जो अपने इंडिया का लगभग हिसाब किताब पड़ ही चुका है भाई, फ़्लाइट डिले थी तो 9 नंबर पे जो फ़्लाइट चल रही थी ना फ्रैंकफर्ट के लिए, वो 9 नंबर पे, ये मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, उसको चेंज करके 10 पे कर दिया, और भाई जो 10 नंबर पे फ़्लाइट थी उसको चेंज करके 9 पे कर दिया। इतनी हड़बड़ी बची ना, पूछो मत। अभी जस्ट मेरे को तो पता ही है डिले होगी, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा करेंगे डिले हुई है। मैं तो कोस्टा कॉफ़ी वालों से आराम से एक बढ़िया सैंडविच करवाया और कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, नज़ारे ले रहा हूँ, और यहाँ पे तमाशा देख रहा हूँ कि क्या क्या होएगा, अभी देखना
इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या ही कहें बताओ आप। क्या क्या मतलब क्या किसको हम बुरा बनाएं इस चीज़ में, जितनी भी फ्लाइटें हैं भाई सब डिले होती हैं, सब की सब जितनी भी हैं। मेरे सामने वो जहाज़ है जो कि अब तक का सबसे पहला जहाज़ रहा है, जो कि एयर इंडिया ने जो जहाज़ की पूंछ के ऊपर जो लोगो बनवाया ना हमारा सरदारों का, बहुत ही आंखें खोलने वाली चीज़ दिखा दी भाई एयर इंडिया ने, कि उन्होंने कर दिखाया सिखिज़म को इतना प्रमोट किया ना, जो कि हमारे सरदारों का जो सिखिज़म का वो है लोगो है, एक ओंकार सत्यम कर्ता पुरख, एक ओंकार का फर्स्ट वो जो इन्होंने सिखिज़म को प्रमोट किया एयर इंडिया वालों ने, यही पहला जहाज़ है जिस पे अब तक सबसे पहला लोगो बना है और उस पे लिखा है श्री गुरु नानक देव जी 5550 ईयर सेलिब्रेशन। तो 550 सेलिब्रेशन के उसमें एयर इंडिया वालों ने ये जहाँ पे एयर इंडिया लिखा होता है बड़ा बड़ा, वहाँ पे एक ओंकार बनवाया है। तो क्या लोगो छोड़ी है भाई इन्होंने, क्या नाम छोड़ा है सिखिज़म का, क्या प्रमोशन किया है, जब ऊपर से जाता होगा कितने लोगों ने इसको देखा होगा कि कौन सा जहाज आया नवा, दिल खुश हो गया भाई देख के। ये देखो ये रहा मेरे सामने वो जहाज, तुम भी देख सकते हो एयर इंडिया, और पीछे एक ओंकार का साइन बना हुआ है, नाइस, एक अलग ही चीज़। और ये पहला ही सिर्फ एक ही जहाज है ये है जो मेरे सामने है इस टाइम। फाइनली टाइम देख लो, 3 बज चुके हैं टोट पूरे, और अब जाके बोर्डिंग करिए, ठीक है 3 बजे बोर्डिंग करिए, कहाँ जाके 3:30 बजे उड़ेगा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो हालात देख लो एयर इंडिया के भाई, कितने ही तुम अब लंबे लोग हो सारी दुनिया से, डोमेस्टिक भी डिले होती हैं भाई, इंटरनेशनल भी डिले होती हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तो फिलहाल जाना तो है ही है, क्या कह सकते हैं, वो खड़ा मेरा इंडिया, एयर इंडिया सामने बिल्कुल, और ये भी एक एयर इंडिया जा रहा है। फाइनली गाइस ये रहा मेरा एयरप्लेन जिसमें मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से 7 घंटे की फ़्लाइट है, आपको सब कुछ अंदर दिखाऊंगा एयर इंडिया का जहाज कैसा है। तो मिलते हैं फ्रैंकफर्ट पहुँच के और अंदर का माहौल देखेगा। तो सर्विंग स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले क्रंची कॉर्न देके गए हैं भाई रिफ्रेशमेंट में, उसके साथ एक वाइन देकर गए हैं। और जिस फ्लाइट में मैं तालसा में आया था तो उसमें शुरुआत में भाई ऑलमोस्ट आए थे रिफ्रेशमेंट में, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं एयर इंडिया का और एयरलाइंस के, और ये भाई वही पुराने जहाज जो पहले होते। फिर लंच में आ जाता है भाई रसगुल्ला, रसगुल्ले के साथ रसमलाई बीच में, और चावल है उसके साथ, एक साइड में नॉन वेज है और एक साइड में वेज सब्जी है, और एक बन है अमूल बटर है या दही। गाइज लेट मी शो यू एयर इंडिया के वॉशरूम, ठीक ठाक ही हैं, एक शीशा लगा हुआ बढ़िया, इधर वॉशलेशन वगैरह, कहने का मतलब है बहुत पुराने हो चुके हैं ये, तो बहुत अपडेट कर चुके हैं दूसरे जहाजों में। इधर एक छोटा सा बोट है, ठीक है, और खड़े होने की ठीक ठीक सी जगह है, बस यही है इनफ। Having my last meal, parotha with paneer ki bhujji and one dessert looking tasty. Finally landed at Frankfurt, guys. जो आफत लोगों ने मचाई है ना वो मैं जानता हूँ, इट वॉज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस फ्लाइट। जो कनेक्टिंग फ्लाइट का टाइम था 3 आवर्स लेटर, उस टाइम पे ये फ्लाइट उतरी है, तो यू कैन इमेजिन। फाइनली फ्रैंकफर्ट उतर चुका हूँ, और इतना तंग किया ना एयर इंडिया ने पूछो मत, यहाँ हम 7 से 8 बंदे हैं जिनकी पहली फ्लाइट इंडिया से डिले आई थी भाई 3 घंटे पहले, 1:30 बजे उड़नी थी, तो वहाँ से उड़ी 4 बजे के करीब, आ जा 4 बजे के करीब। तो यहाँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हम घूम रहे हैं, एयर इंडिया ने नेक्स्ट बुकिंग करके दिया जो कि कल है। मैं कि तो भाई एयर इंडिया मैं तो कहता हूँ आगे से कभी भी सिलेक्ट मत करना, क्योंकि 3 घंटे पहले वहाँ से इंडिया से डिले चली थी, आगे मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट थी, 1 घंटे बाद वो डिले हो गई है, और कल मैंने काम पर जाना था वो भी डिले हो गया, मेरी कार पार्किंग लगी हुई थी वो भी डिले हो गई, उसकी पेमेंट कौन करेगा पहले मुझे बताओ। तो अब कल शाम की इन्होंने बुकिंग करके दी है, अब होटल जा रहे हैं, होटल जाके आपको दिखाता हूँ कंडीशन क्या है क्या नहीं, बाकी के रिव्यूज़ आपको जाके दिखाता हूँ। फाइनली हम जिन जिन की डिले हुई है 10 से 12 लोग हैं, वो इधर नहीं गए थल्ले, आ जाए किधर, आ जाए होटल रूम्स ले गया। तो गाइस ये है जो होटल बुक किया है एयर इंडिया वालों ने हमारे लिए, ये हम 5-7 लड़के हैं इंजन की फ्लाइट डिले हुई है, और ये बस शटल बस जो हमें यहाँ तक लेके आए टर्मिनल 1 से, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसे रूम मिलते हैं कैसे नहीं, बट आई एम नॉट सैड, आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट द फ्लाइट, लेट्स गो। होटल पहुँचते शायद 11:30 हो गए हैं, घड़ी में एक्चुअल टाइम इंडिया चल रहा है अभी, और ये होटल का नेम है जहाँ हम आज रात रहने वाले हैं, और ये कुछ मेरे साथी हैं जिनकी मेरे साथ फ़्लाइट मिस हो गई है, ये भी सभी इटली के जाने वाले थे, बाकी एनीवे ये होटल का नाम है
इट्स लुकिंग गुड। चेक इन करते सबसे पहले डिनर किया क्योंकि काफ़ी टाइम से भूखे थे, और फिश है एक, और थोड़ा डेजर्ट लिया मैंने, थोड़ा सा सलाद लिया और पास्ता खाने में, काफ़ी टाइम बाद सैलड मिला। डिनर करके आ चुके हैं, डिनर करके आने के बाद होटल रूम में जा रहा हूँ, तो लेट मी शो यू कि कैसा है यहाँ का फाइव स्टार जर्मन का। कम से कम एयर इंडिया ने एक तो बढ़िया काम किया। 534 देखो कैसे है, ये पूरा कॉरिडोर है और यहाँ घुस जल्दी जल्दी मैं आपको ये फाइव स्टार रूम दिखा देता हूँ। सिंगल फाइव स्टार रूम है ये, तो जर्मन वालों ने तो आती कर दी पूरी। ये है 26 इंच की LCD, पता नहीं कितने की होगी, मैंने तो वैसे ही फेंका है। और बाहर का व्यू तो भाई सुबह ही दिखेगा क्या होगा बाहर। और सिंगल बेड रूम है, और बेड देखो कितना फैंटास्टिक है, पीछे बढ़िया सी सीनरी बना रखी है, और ये बढ़िया सी लाइटनिंग लगा रखी है दिल लूटने के लिए। पर हम तो अकेले हैं, किसका दिल लूटोगे। और बढ़िया सी वाटर बॉटल पड़ी है एक, पर ये वाटर बॉटल मैं पता कहाँ यूज़ करूँगा, चलो लेके चलता हूँ। तो ये है भाई जर्मन के वॉशरूम। यहाँ आकर पता लगता है कि भाई किसी अंग्रेजों के देश में आए हो, क्योंकि यहाँ पर धोने वाला नहीं है। तो भाई इसका इंतजाम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया सी वॉशलेशन है, और नहाने का जुगाड़ देखो भाई कितना बढ़िया, और ओल्ड टच है ये देखो, ये आधा है कटा हुआ। अंदर भी चलते हैं देख लेते हैं, ये टच है, यहाँ से टच वगैरह करके अपना सिस्टम लगा सकते हो, जो भी कैसे भी पानी ठंडा गर्म करने, ये करना वो करना। और भाई शीशा देखो क्या, उफ दिल ही लूट लिया इस शीशे ने। और एक शीशा यहाँ पे सामने लगा हुआ है, ये रहा। नाइस रूम गाइस, एयर इंडिया से इतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी धक्काबाजी करके हम लोगों ने सब ने जिद्दबाजी करके अपने होटल तो कम से कम बुक ही करवा ली, क्योंकि आपसे कल शाम की फ्लाइट है, और आई डोंट नो वट टू डू, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम एयर इंडिया। आज के बाद मैं कभी भी एयर इंडिया फ़्लाइट नहीं लेने वाला भाई, जिंदगी में पहली बार, दूसरी बार ली है शायद, वो भी गलती से ले ली, इसके बाद कभी नहीं लूँगा, क्योंकि कल की काम की छुट्टी भी हुई। तो मैं कह रहा था कि कल की काम की छुट्टी भी हुई भाई मेरी, ऊपर से मेरी गाड़ी जो मैंने पार्किंग पर खड़ी हुई थी इंडिया जाते वक्त, वहाँ पर पार्किंग में खड़ी कर गया था, उसकी पेमेंट आज रात के 12 बजे तक थी, जो कि चाह चुकी है। अब कल मेरी गाड़ी वो टो करेंगे या फिर मेरे पे ऊपर पेमेंट डालेंगे, वो कौन करेगा। एयर इंडिया वालों को मैंने मेल कर दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पैसे देने बनते हैं, देखते हैं हम वो करते हैं क्या नहीं करते, वो मैं आपको अगले व्लॉग में अपडेट जरूर दूंगा एयर इंडिया के लिए। बाकी बहुत बुरा लगा कि ऐसे फ़ौरन वाले लोग भाई वेले नहीं बैठे हैं तुम्हारे लिए, इंडिया वालों, इंडिया एयरलाइन, ये चीज़ें तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एयरलाइन की सबसे ज़्यादा ये फ़्लाइट्स डिले होती हैं, तो बाहर के लोगों के अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ऐसे गाड़ियाँ खड़े करके लोग आते हैं इतनी दूर दूर से, अगले दिन कहाँ पे जाना होता है। तो मैंने काम पे जाना था, तो कल अब अर्जेंटली मेल किया फैक्ट्री में, कंपनी में, कि कल मैं किसी वैलिड रीज़न से नहीं आ सकता। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, मेरी कल की सारी जो कमाई है, कल की पूरे दिन की जो मेरी कमाई है वो जा रही है, उसको कौन भरेगा। तो डबल से डबल तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ क्लाइंट का ज़्यादा नुकसान होता है, क्लाइंट का टाइम वेस्ट खराब होता है। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, इंडिया वालों कुछ करो, अपना एयर इंडिया को सुधारो। आज के बाद मैं तो कानों को हाथ लगा लिया भाई, एयर इंडिया कभी बुक नहीं करूँगा, ये भी गलती से हो गई थी एक बार, तो दूसरी बार भी तुमने ट्रस्ट ही तोड़ा है। तो बहुत बुरा लगा भाई, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा ये बात सुन के। और जो भी बीती है, इंडिया से जब लेट चला था भाई, हमें पता ही लग गया था कि 3 घंटे लेट हो रहा है, एक घंटा होता है, चलो मान लेते हैं 1 घंटा लेट हो रहा, चल जाता काम, 3-3 घंटे लेट हो रहा भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा। फाइनली शावर ले लिया सुबह से, आई एम वेरी टायर्ड कि 3 घंटे डिले भी हुई, फिर उसके बाद 7 घंटे ट्रैवल भी किया, उसके बाद यहाँ पे आए, एयरपोर्ट पे धक्के खाए, फिर होटल में धक्के खाए, डिनर किया, उसके बाद शावर लेने का मौका मिला। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप सो कुछ अलग देखने को मिला होगा, एयर इंडिया की सच्चाई पता लगी होगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और काले बटन को मुक्के मार मार के तोड़ देना। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल के व्लॉग में। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाट बुक करा इटली के लिए, चाटी 3 बटन से भार, छाती शाइन मारे प्राउड से।